हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने कान्हा जी के लिए बांसुरी बनाएंगे, जिसमें कि हम ये मोर का पंख है, मोर का पंख का ये चीज़ का हम इस्तेमाल किए हैं बांसुरी के रूप में। इसे हम जितना लंबा, हमारे कान्हा जी जितने बड़े हैं उस अनुसार हम इसे कटिंग कर लेंगे। कटिंग जैसे कि हम इतना लंबा कटिंग कर चुके हैं ये चीज़। अब कटिंग करने के बाद में हम यहाँ पर इस तरह का, हमारे पास गोल्डन कलर का है ये चीज़, ये हम यहाँ पर इस तरह से इसे पूरा हम पेस्ट कर देंगे। स्टार्टिंग में पेस्ट करेंगे, फिर घुमाते हुए इसे हम पूरा गोल्डन कलर का बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे पेस्ट करते हैं। इस तरह से लगाते हुए इसे हम घुमाते चले जाएंगे। अगर आपको दिक्कत है तो आप इसे थोड़ा सा सूखने दें, उसके बाद ये चीज़ घुमाना शुरू करें। अब हम इसे यहाँ कटिंग कर लेंगे। कट कर देने के बाद में हम यहाँ और हल्का सा यहाँ हम पेस्ट करेंगे। इस तरह से ये हो गया। अब हम, अगर आप इच्छा है तो इसके ऊपर आप हल्का कोई भी कलर का आप दे सकती हैं रिबन, जैसे कि अगर मान लिया जाए हम इस कलर का रिबन देंगे। तो हमें इसे इस तरह से दूरी बनाते हुए इसे हमें इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम इसमें सिर्फ गोल्डन कलर का दे रहे हैं, बस यही सिर्फ रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें, अब हम देखिए इसमें लटकन के रूप में ये चीज़ हम डाले हुए हैं। आप चाहते हैं तो इस तरह का भी लटकन यूज कर सकती हैं, इस तरह का भी यूज कर सकती हैं, लेकिन हम ये मोती से पिरोया हुआ ये चीज़ डाले हैं। ये डालने के बाद में अब हम इसमें बीच में, यहाँ बीच में हमें खूबसूरती के लिए कुछ देना होगा, तो यहाँ हम बीच में देते हैं। ये चीज़ हम, ये हम इस तरह से यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये हो गया। अब हम यहाँ पर कुछ दूरी पर आते हुए हाफ मोती लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि एक यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया,
तीसरा यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, इस तरह से देखिए कान्हा जी का ये बांसुरी बनकर तैयार हो गया है। अगर आप इसमें चाहती हैं मोती यहाँ ना लगाना, ये हाफ मोती जो हम लगाए हैं ये नहीं लगाना चाहती हैं, तो आप इस तरह से यहाँ पर कुछ और भी ब्लैक कलर का तीन चीज़ या चार चीज़ आप दे सकती हैं यहाँ पर, तो देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कान्हा जी का बांसुरी पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।